इस बीच एक बड़ी खबर, चीन को घेरने की जापान की बहुत बड़ी तैयारी। भारत समेत 12 देशों को वेपन एक्सपोर्ट करेगा जापान। अगले साल मार्च तक जापान इस बारे में फैसला ले सकता है। फाइटर जेट्स और मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा जापान। चीन को चारों ओर से किलेबंदी की तैयारी में है जापान, और इसलिए वो भारत समेत 12 देशों को अब फाइटर जेट्स और मिसाइल, यानी वो डिफेंस इक्विपमेंट्स वहां पर जापान अब 12 देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है। पहले जापान ने इस पर रोक लगाई हुई थी, लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में थे क्वाड की मीटिंग के लिए, और जब फुमियो किशिदा के साथ उनकी एक बायलैटरल मीटिंग हुई थी, उसमें भी यह मुद्दा उठा, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जापान रेडी हो गया है भारत को फाइटर जेट्स देने के लिए, मिसाइल्स देने के लिए, और साथ में कुछ दूसरे देशों के लिए भी, और ये चीन को घेरने में बड़े काम आ सकते हैं। तो जापान की क्या तैयारी है, आइए आपको ये दिखाते हैं कैसे भारत और जापान मिलकर चीन को घेर सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। खासकर क्वाड को अगर आप समझिए तो क्वाड का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि क्वाड की मीटिंग ने या क्वाड के बनने ने इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया है। अब देखिए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, अमेरिका भी, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तो कुछ यूरोपियन मुल्क, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें अमेरिका सबसे प्रमुख, और कुछ वो मुल्क जो जापान और चीन के आसपास हैं, भारत के आसपास हैं, खासकर आसियान कंट्री भी शामिल है इसमें। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी से लगते हुए इंडो पैसिफिक को आप पूरा मिला लें तो ये कंट्रीज यहां पर शामिल हैं, जिनको जापान चीन के खिलाफ अब अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को, अपने डिफेंस अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसमें फाइटर जेट्स हो सकते हैं, जिसमें मिसाइल्स हो सकती हैं। तो जापानी सरकार का चीन के खिलाफ ये प्लान 12 देशों को, जिनका नाम हमने आपको दिखाया, जो मैप्स पर आपको दिखा रहे हैं, उनको आर्म्स एक्सपोर्ट करने के लिए अब जापान रेडी हो गया है। चीन की विस्तारवादी नीति को तोड़ने की एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है यह जापान की, एशिया के यूरोप तक, एशिया से यूरोप तक चीन को घेरने का यह प्लान माना जा रहा है जापान का। यह सवाल यह है कि क्या इसमें इंडो एशियन इकोनॉमिक, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का भी कोई यहां पर रोल है। रविंदर, क्या लगता है आपको, ये क्वाड की मीटिंग होना और उसके तुरंत बाद ये खबर आना? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली यस। देखिए, जापान मेजरली अपनी पॉलिसीज बदल रहा है, जापान सडनली अपनी डिफेंस में पैसा खर्च कर रहा है और खुल के बात कर रहा है मिलिट्री डिफेंस की, राइट। परंतु जहां तक ये बात रही, इन्होंने जो एक्सपोर्ट्स की बात करी है, डेफिनेटली बहुत बड़ा स्टेप है, बट उसमें प्रॉब्लम रही लॉन्ग टर्म की, जापानीज इक्विपमेंट बहुत महंगी होती है, एंड सेकेंडली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो होती है वो किन टर्म्स में हो, तो उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट होने में कुछ समय लगेगा। बट नाउ कमिंग टू क्वाड, डेफिनेटली देखिए, क्वाड जो है कहने को तो मिलिट्री नहीं है, तो क्वाड का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वाड का ऑब्जेक्टिव है इन चारों देशों में, जिसे कहते हैं रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, यानी कि सप्लाई चेन्स जो टूटे ना वॉर में या दुश्मनियों में, राइट, वो क्रिएट करना, और धीरे धीरे चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको इन देशों में लाना, या इसके अलावा श्रीलंका, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों में सप्लाई चेन शिफ्ट करना, एक। दूसरा सबसे बड़ी जो बैटल है और जो ये मिसाइल्स वगैरह इंडिकेट कर सकते हैं, ये वॉर है स्टैंडर्ड्स की, डिजिटल स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। आने वाले वर्षों में किन डिजिटल स्टैंडर्ड्स पर दुनिया चलेगी, तो ये जो इक्विपमेंट्स है, अब इनका एक्सपोर्ट वगैरह अगर अलाउ कर रहा है मिसाइल्स वगैरह का जापान, दैट मींस मिलिट्रीज के साथ आपस में स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट का स्कोप भी बनता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।